नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उत्तम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, जो वर्ड लैपलेस डिस्कस करने से पहले हम जो वर्ड है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, इस वर्ड के बारे में मैथमेटिक्स भाषा में इसको क्या कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट एक डिवाइस की तरह काम करता है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, वन फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, एक डिवाइस की तरह ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है। इसकी जरिए हम एग्जांपल लें तो सिंपल एग्जांपल है डेरिवेटिव dy / dx, इसको हम d इक्विवेलेंट ऐसे देख सकते हैं। यदि हम फंक्शन f1 लें वो है sin x, हम d ऑफ ट्रांसफर फंक्शन d लगा दिया fx1 पे, तो इसका dy / dx क्या होगा, sin x का dy / dx क्या बन गया, cos x। तो हम इसको f2x फंक्शन लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, चले यहां थे, यहां से चले थे, पहुंच गए हम f2x में। मतलब कि ट्रांसफर फंक्शन एक डिवाइस है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद में हम लैपलेस की डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलेस फंक्शन की ट्रांसफर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा फंक्शन है जो f t को f t में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मान लो सपोज हम फंक्शन f t के उस पे लैपलेस लगा दी, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अनफिनिटी e की पावर माइनस ई टी डॉट, मतलब डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इनटू फंक्शन एफ टी इनटू डी, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हो गई। इसे इंटीग्रेशन करने के बाद हमको फंक्शन एफ पी ऑब्टेन हो जाएगा। ये प्रॉपर डेफिनेशन है लैपलेस फंक्शन। हम इस डेफिनेशन को यूज करके हम उस फंक्शन की हम लैपलेस निकालेंगे। जैसे कि हम फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 1 ले लिया, अब इसकी लैपलेस क्या बनेगी, एफ ऑफ टी लैपलेस ऑफ 1 क्या बनी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इंटीग्रेशन 0 की पावर इनफिनिटी से लेके e की पावर माइनस ई टी इंटू एफ टी क्या है, फंक्शन क्या है 1 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन दिया इसका क्या आ गया, हमको पता ही है e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x होती। इसी तरह e की पावर माइनस ई टी अपॉन, क्योंकि यहाँ पर टी के साथ लगा हुआ है तो वहां पर डिवाइड में आ जाता है, उसके साथ क्या आएगा, और इसके बाद हम लिमिट भर देंगे 0 से इनफिनिटी। नेक्स्ट क्या हुआ, ई की पावर माइनस इनफिनिटी आ गया, इनफिनिटी बना तो माइनस इनफिनिटी आ गया, माइनस यहाँ पर क्या आएगा,
माइनस पी आ गया अपॉन माइनस पी नीचे आ गया ई की पावर जीरो आ गया, लोअर लिमिट कर दी। अब क्या है हमको पता ही है ग्राफ क्या होता है ई की पावर एस और इनफिनिटी का ई और एक्स का ग्राफ ये बनता है जे माइनस एक्स एक्सिस है जे पॉजिटिव एक्सिस है वाई एक्सिस है जे माइनस वाई एक्सिस है। अभी क्या है यदि हम इनफिनिटी की तरफ जाएंगे तो क्या ये जीरो हो जाएगा तो मतलब जो इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी इक्वल टू जीरो तो जीरो माइनस इसकी पावर ई की पावर जीरो इसी फंक्शन की पावर जीरो करते तो क्या आएगा ए अपॉन माइनस बी माइनस माइनस कर दिया तो क्या आएगा वन अपॉन पी इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पता लेफ्ट प्लस और वन क्या आएगी वन अपॉन पी। इसी तरह हमने कुछ फंक्शन है एलिमेंट्री फंक्शन कहते हैं उसकी लेफ्ट प्लस हम निकालेंगे इसके बाद हम कुछ फंक्शन है एलिमेंट्री फंक्शन कहते हैं उसकी हम टेबल डिस्कस करेंगे जिसकी लैप्लेस पहले से हमने फॉर्म कर चुकी है सिर्फ उसकी वैल्यू डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस जान लें क्या होती है लैप्लेस की इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है जो लैप्लेस ट्रांसफर फंक्शन है हमारे को यूजफुल है जो हीट ट्रांसफर चैप्टर है जो मैकेनिकल का एक पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए हम लैप्लेस यूज करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करने के लिए हम लैप्लेस यूज करते हैं हीट ट्रांसफर इक्वेशंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इस तरह अनेकों प्रकार की जो फिजिक्स की कंसेप्ट है विद द हेल्प ऑफ लैप्लेस हम सॉल्व कर पाते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस है ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा बात कर रहे हैं टेबल की टेबल क्या है जो टेबल हमने सिंपल बनाया हुआ है जिसकी हम आगे जो कम्प्लेक्स फंक्शन है उसको सॉल्व उसकी लैप्लेस सॉल्व करने के लिए जो हम जब बात कर रहे हैं टेबल की f ऑफ t फंक्शन है उसकी लैप्लेस निकाली तो क्या आ गया f t फंक्शन। जैसे हमने पहला फंक्शन डिस्कस किया है वन की हम पहले निकाल चुके हैं क्या आ गई लैप्लेस वन अपॉन t। इसी तरह से हमारा जो t की निकालेंगे यदि f t इज इक्वल टू t फंक्शन उसकी आ जाएगी 1 अपॉन पी की पावर स्क्वायर। इसके बाद हम पी की पावर यदि n हो तो उसके सीधा सा जे n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर है तो क्या आएगी n फैक्टोरियल अपॉन पी की रेस पावर n प्लस 1। यदि n इंटीजर ना हो तो क्या आएगी पाई फंक्शन ऑफ इसको पाई फंक्शन बोलते हैं पाई फंक्शन n प्लस 1 अपॉन e की रेस पावर n प्लस 1। ये हमारी ऑर्डिनरी इसको हम एलिमेंट्री फंक्शन बोलते हैं इसकी हमारी जरूरत पड़ेगी जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ये सिंपल थी इसी तरह से जो e की पावर ए टी की लैप्लेस निकालेंगे तो क्या आएगी सिंपल 1 अपॉन पी माइनस 1 e की पावर माइनस पी माइनस ए आएगी सॉरी ए की पावर ए टी की आएगी 1 अपॉन पी प्लस ए और साइन ए टी की आ जाएगी 1 अपॉन ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos atg आएगी p upon p square plus a square। ये था हमारे सिंपल फंक्शन जिसमें जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया और आज की वीडियो में हमने अब तक क्या किया इसके बारे में हम थोड़ा सा
रिव्यू कर लें। पहले हमने लैपलेस ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर का मीनिंग क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया। दूसरा हमने बाद में हमने लैपलेस की डेफिनेशन निकाली क्या होती है। उसके बाद हमने f t इज इक्वल टू 1 की हमने लैपलेस निकाली। लैपलेस वो 1 के आदि 1 को की। और बाद में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ लैपलेस निकाली। बाद इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया सम एलिमेंट्री फंक्शन की हमने लैपलेस निकाली। ये हमारे हमने जो आज की वीडियो में डिस्कस किया, और आगे की जो लैपलेस के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों मेरा आपसे यदि यही निवेदन है कि यदि आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या कोई भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और यदि आपको वीडियो और चाहते हो उसकी नोटिफिकेशन कोई नई वीडियो बनती है उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।